नमस्कार, इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं और देश भर के तमाम उन बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने एक राहत उन बच्चों को दी है, एक बड़ी अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जिनके माँ बाप इस कोरोना में नहीं रहे, दोनों के दोनों अभिभावक नहीं रहे, तो उन बच्चों के लिए खास तौर पर जो है किस तरह से पीएम मोदी ने एक बहुत ही अच्छी जो है हरियाणा सरकार की बात की जाए, पूरे केंद्र सरकार की बात की जाए, तो एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की है। वो योजना ये है कि बच्चों की सारी शिक्षा का जो खर्चा है वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। वहीं जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो तब 10 लाख रुपए की सहायता भी तो उसको दी जाएगी। तो बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से अभी कुछ ही देर पहले पीएम मोदी की तरफ से जो है ये शुरुआत की गई है और इसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जो है उन बच्चों की सहायता की जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता व अभिभावक दोनों को ही खो दिया। इसके साथ ही बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि भी दी जाएगी, यानी कि जब तक बच्चा 18 साल का है उसको हर महीने मासिक सहायता राशि भी दी जाएगी ताकि उसका परिवार का पालन पोषण चले, उसको जो खर्चा है दवाइयों का, घर का खर्चा है, जो भी है उसको मासिक सहायता राशि जो एक तय की जाएगी वो भी हर महीने उसको अवेलेबल कराई जाएगी। और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए फंड की जो है उसको जो है राशि दी जाएगी, जो एक अच्छी शुरुआत है। दूसरा 5 लाख रुपए का जो बीमा है आयुष्मान योजना के तहत वो भी जो है उस बच्चे का कराया जाएगा, 18 साल तक जो उम्र तक वैलिड रहेगा, और उसकी भी जो किस्त है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो भी सरकार देगी, और बच्चों की जो भी जो फीस है सारा कुछ जो है सब कुछ सरकार करेगी। तो एक अच्छी पहल जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने की है। और इसके बाद जो वो बच्चे हैं जिनके सर से इस कोरोना में साया उठ गया उनके माँ बाप का, तो वो थैंक यू करते हुए नजर आ रहे हैं कि थैंक यू मोदी अंकल। ऐसे कई परिवार जो है सभी शहरों में देखे जा सकते हैं, करनाल की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, देश भर की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों को या यूं कहे कि एक किस्म का अडोप्ट किया सरकार ने, किस तरह से उनका जो तमाम उनकी जो फीस है, जो स्कूल है, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन भी अगर वह करना चाहते हैं तो उसका भी जो लोन है वो भी जो है सरकार उसकी किस्त जो है जमा करेगी बगैर इंटरेस्ट के। तो काफ़ी अच्छी जो राहत है इन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं सहायता दी गई है सरकार की तरफ से, इसकी सराहना वाकई पूरे देश भर में की जा रही है। ज़रूरत थी क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे जिनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया, उनके अभिभावकों का साया उठ गया, तो कहीं ना कहीं इस समय ज़रूरत थी उनको कि किस तरह से, कई छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, जिसे आगे एजुकेशन भी करनी है, पढ़ाई बीच में रह गई, तो कहीं ना कहीं जब माँ बाप का साया ऐसे घर से, ऐसे परिवार से उठ जाता है, खासतौर पर मीडियम क्लास के परिवार के अगर बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं वो उसी समय जो है वो काम करना शुरू कर देता है, या तो किसी फैक्ट्री में लेबर करना शुरू कर देगा या किसी दुकान में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, अच्छी पहल हो तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। हम भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि किस तरह से उन्होंने देश भर के तमाम उन बच्चों के लिए आगे हाथ बढ़ाया है कि किस तरह से उन तमाम बच्चों की जो एजुकेशन है उसका खर्चा जो है पूरा सरकार देगी, चाहे ड्रेस हो, चाहे बुक्स हो, और हर महीने भी जो है उनकी सहायता राशि जो एक तय की जाएगी वो भी उनके खाते में आएगी। दूसरा 23 साल के बाद 10 लाख रुपए की जो राशि है वो जो है उस बच्चे को दी जाएगी ताकि कल को उसने कोई बिजनेस स्टैंड करना है, उसने मैरिज करनी है, तो तमाम तरह की इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी आई है वही हम आपको साझा कर रहे हैं, लेकिन हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह की जो शुरुआत है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी की है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो बच्चे जिनके माँ बाप का साया जो है बच्चों के सर से उठ गया उनको जो है सहायता की जाएगी। और वहाँ पर दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि कई ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिनके बच्चे चले गए हैं, तो ऐसों को भी जो है सरकार कहीं ना कहीं उसका ध्यान रखेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपना जो बयान है वो जारी किया और उन्होंने भी जो है पीएम मोदी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया कि एक बहुत ही अच्छा फैसला जो है लिया गया है। हालांकि कोरोना महामारी में ऐसा देखा गया, खासतौर पर बात की जाए दिल्ली एनसीआर के ऐसे कई परिवार हैं, करनाल में हमने देखा कि किस तरह से एक दिल्ली का परिवार यहाँ पर आया हुआ था जिस दौरान बल्ली शमशान घाट में संस्कार हुआ करता था, पिता और जो पुत्र है वो यहाँ पर आए हुए थे, पिता की मौत हो जाती है और उसके बाद अगर बात की जाए तो संस्कार करने के बाद जैसे ही पिता जाने लगे तो जानकारी ये मिलती है कि जो पुत्र है उनकी पत्नी यानी कि बच्चों की माँ उनकी दिल्ली में मौत हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में काफ़ी जो है दुखदायी खबरें जो है सुनने को मिली, देखने को मिली, यहाँ पर ऐसे काफ़ी परिवार आते थे, अगर देखा जाए तो देखकर हमारी भी आंखों में आंसू जरूर आ जाते थे कि किस तरह से एक ही परिवार के दो दो लोग जो है चले जाते थे। हम गुड़गांव गए थे किसी रिश्तेदारी में तो वहां पर हमने देखा कि जब एक ही एम्बुलेंस में एक ही शव वाहन में दो शव लाए गए थे एक बड़े अस्पताल से गुड़गांव के, और दोनों शव हमने जब पता किया तो वो पिता और पुत्र के
थे। तो ऐसे बहुत से हादसे पेश आए हैं, खासतौर पर यह देखने को मिला कि किस तरह से माता पिता दोनों ही चले गए, बच्चे अकेले रह गए। तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है, और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और सभी उन बच्चों के लिए आप भी जो है अपने लेवल पर सहायता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई नॉलेज में ऐसा बच्चा है जिनके माँ बाप का जो साया है उसके सर से उठ चुका है इस कोरोना काल में, तो वह तमाम तरह की जो सहायता है वो जिला प्रशासन के तरीके से की जा सकती है। आप उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, कोविड रिपोर्ट्स रही या डेथ सर्टिफिकेट रहे, वो जो एक फाइल बनाकर उनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ, बच्चे के साथ, बच्चे की डिटेल के साथ आप जिला प्रशासन में सबमिट करा सकते हैं। तो वहीं से तभी से शुरू हो जाएगा, हर महीने मासिक सहायता जो है पीएम केयर्स जो फंड है वहां से उस बच्चे को मिलेगी, और 23 साल के बाद 10 लाख रुपए की जो राशि है, जो जानकारी मिली है कि 10 लाख रुपए की जो सहायता है वो भी जो है की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का एक बहुत अच्छा सहयोग है उन बच्चों के लिए, खासतौर पर क्योंकि ऐसे काफी मामले सामने आ रहे थे कई जगहों से, कई शहरों से, कई स्टेट से जो इस तरह की खबरें आ रही थी कि कई बार माँ बाप का साया जो है इस कोरोना में बच्चे के सर से उठ गया। तो ऐसे बच्चों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है, एक अच्छी शुरुआत की है। तो निश्चित तौर पर 5 लाख का आयुष्मान का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी जो है आयुष्मान के तहत जो उस बच्चे का कराया जाएगा, और जो उसके इंस्टॉलमेंट्स है वो भी सरकार देगी। अगर वह हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है तो उसको भी जो लोन होगा या उसकी भी जो इंस्टॉलमेंट होगी बगैर इंटरेस्ट के जो है लिया जाएगा। इस तरह की बात भी जो है सामने आई है। लेकिन सबसे अच्छी पहल यह है कि किस तरह से ऐसे बच्चों को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाएगा। अगर आपकी नॉलेज में, अगर आपके शहर में, अगर आपके कोई इलाके में अगर ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके सर से उनके अभिभावकों का, उनके माता पिता का इस कोरोना काल में साया उनके सर से जो है उठ जाता है, तो ऐसे बच्चे की आप डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल तैयार कराइए, डीसी ऑफिस में सबमिट कराइए। अगर किसी तरह की करनाल में अगर बात की जाए, करनाल में अगर किसी को परेशानी आती है, किसी को समझ नहीं आती है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर तुरंत जानकारी वह हमें दे सकता है। हम जो है उस बच्चे की जो फाइल है वो तैयार करके करनाल के उपायुक्त तक जो है पहुंचाएंगे, ताकि जल्द से जल्द बच्चे को जो सहायता राशि है वो मिलनी शुरू हो जाए, बच्चे की एजुकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत रहा है वो मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन सरकार का हम आपको बताना चाहेंगे, जो फैसला है वो उन बच्चों के लिए है जिनके सर से माँ बाप का साया, दोनों का साया जो है उठ जाता है कोरोना काल में। ऐसे कई बच्चे देखे होंगे जिनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया। तो ऐसे में जो है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम केयर एक जो फंड होता है उसके तहत जो है योजना की शुरुआत की गई है, जहां पर सभी बच्चों को जो है सहायता की जाएगी। उन बच्चों की एजुकेशन हो, स्कूल फीस हो, या कपड़े हो, ड्रेसेस हो, बुक्स हो, सभी का खर्चा जो है सरकार सहन करेगी। इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फैसला जो है सरकार की तरफ से किया गया है, अच्छे कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, जिम्मेवार संस्थान होने के नाते हम भी जो है उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल से जुड़ी, हरियाणा से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुख्ता होनी चाहिए। जब तक पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं आई तब तक हमने आपको इस खबर को नहीं दिखाया, लेकिन जब हमने अपने कंफर्म सोर्सेज से जानकारी जुटाई उसके बाद ही हम आपको आकर लाइव कवरेज दे रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, देश भर में इसको खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम शहरों तक, हर गली मोहल्ले तक, हर गांव तक ये खबर पहुंचे, ताकि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनकी जो है सहायता जल्द से जल्द शुरू करवाई जा सके, उनका जो मासिक, उनको जो सहायता राशि है वो हर महीने पहुंच पाए। तो इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।